अखिल भारतीय असंगठित कामगार कांग्रेस संगठन द्वारा आज धार जिला अध्यक्ष नियुक्त किया गया और प्रेस वार्ता रखी गई। अखिल भारतीय संगठित कामगार कांग्रेस में विनोद पवार को धार जिला अध्यक्ष नियुक्त करने पर आज प्रदेश उपाध्यक्ष हेमंत हिलोरे असंगठित कांग्रेस के सदस्यों के साथ प्रेस वार्ता की गई और विनोद पवार धार जिला अध्यक्ष बनने पर भव्य स्वागत किया गया और बधाइयां दी। पीथमपुर से संजय सोनगरा की रिपोर्ट। पहला पीथमपुर नगर पालिका क्षेत्र के भीतर जितनी भी छोटी बड़ी फैक्ट्रियां आती है उनके अंतर्गत काम कर रहे श्रमिकों के साथ किसी भी तरह के शोषण को अब बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। असंगठित कामगार कांग्रेस के ये जिम्मेदारों के खिलाफ कड़ा रुख रखते हुए एक मुहिम चलाई जाएगी। जवाबदारी मुझे मिली है। वैसे ही पत्रकार साथियों से निवेदन करता हूँ, मेरा साथ दे और हमेशा मेरे साथ खड़े रहे, जिससे आज जो भी उद्योग नगरी पीथमपुर में कामगार कांग्रेस जो काम करेगी और उद्योग नगरी पीथमपुर में, क्योंकि इंडस्ट्री एरिया होने के कारण यह मजदूर वर्ग ज़्यादा है। पूरे हिंदुस्तान में एशिया में सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया पीथमपुर है और हम सब लोग साथ मिल के काम करेंगे। काम करना जरूरी भी है और सब रोजगारों को बेरोजगारों को रोजगार मिले, सबको टाइम पे तनख्वाह मिले। जो 8 घंटे की जो सेवा ढूंढना, उनका चयन करना, 31 वार्ड में ही चुनाव के लिए तैयारी करना है और हर वार्ड में 1,000 सदस्य बनाना है। बीजेपी कह रही है कि इस बार भी कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो जाएगा क्योंकि 4 राज्यों में प्रचंड जीत हुई है। उस पर पीथमपुर के एक वरिष्ठ नेता ने, बीजेपी के नेता ने बोला कि इस बार कांग्रेस का भी पीथमपुर से सुपड़ा साफ हो जाएगा, इस पर आपका क्या कहना है? पीथमपुर से सुपड़ा तो कभी साफ कांग्रेस का हुआ ही नहीं था, होता तो फिर 6,000 वोट से नहीं जीतती भारतीय जनता पार्टी। और कांग्रेस पार्टी इस बार 25% से ऊपर लेके आएगी, इसके लिए हम पूरा मेहनत से तन मन धन से काम करेंगे। चाहे वो किसी होटल में काम करने वाला हो, चाहे किसी के यहाँ घरगुती मजदूरी करने वाला हो, ये सभी मजदूरों की श्रेणी असंगठित कामगार कांग्रेस में आती है। असंगठित कामगार कांग्रेस भारत सरकार के आंकड़े के अनुसार 38 करोड़ भारत में है। हमारा असंगठित कामगार कांग्रेस के आंकड़ा 45 करोड़ का है, लेकिन हम लोग सरकार के ही आंकड़े को मान के चलते हैं कि 38 करोड़ असंगठित कामगार पूरे देश में है। साथियों, ये जो असंगठित कामगार कर्मचारी कांग्रेस राहुल गांधी जी की मंशा के अनुसार और आदरणीय राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस के महासचिव आदरणीय अशोक गहलोत जी के पिछले 5 साल में इनकी स्थापना हुई थी, अभी इसको 5वां साल चल रहा है। अभी हमारे जो राष्ट्रीय अध्यक्ष है आदरणीय डॉक्टर उदित राज, इनका डिजिटल मेंबरशिप का कमलनाथ जी को अभी 14 तारीख के मीटिंग में आश्वासन दिया है कि हम मध्य प्रदेश में 1,00,000 मेंबर आपको बना के देंगे। उसमें से हम लोग धार जिले में से 25,000 मेंबर देने का हमने वादा करा है और ये हम लोग 15 अप्रैल के पहले पूरा कोटा करके आदरणीय मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को मजबूत बनाने के लिए हम लोग ये डाटा दे देंगे। हमारा कार्य यही है कि जैसा कि बहन मोनिका सोदक जी ने पढ़ा है जिसमें बताया गया कि हम लोग सभी असंगठित हमारे वर्कर है, मजदूर है, इनकी आवाज उठाएंगे। इनके साथ जो अन्याय हो रहे हैं, चाहे उनका पैसे का हो, चाहे उनकी सैलरी का हो, चाहे उनकी और व्यवस्था के हो, इनके बच्चों की शिक्षा दीक्षा की बात हो, इनमें हम लोग हमारे संगठन के माध्यम से आवाज उठाएंगे। और हम लोग चूंकि पीथमपुर भारत के आशिया का सबसे बड़ा इंडस्ट्री एरिया है, या असंगठित कामगार कांग्रेस ज्यादा संख्या में आप देख सकते हैं कोई कोई चौराहे पे, चाहे कुटी चौराहा हो, चाहे इंडोरामा हो, चाहे ऐसा चौराहे पे हो, आपको हजारों मजदूर सुबह या शाम को देखे जा सकते हैं। ये सभी असंगठित मजदूर है। इसके अलावा भी जो रेडी पेटरी पे ठेला लगाने वाले हैं या फल सब्जी बेचने वाले हैं, ये भी सभी असंगठित कामगार है। इनकी सबकी आवाज और यही लोग कांग्रेस की रीढ़ है। इन लोगों को हमको संगठित करके कांग्रेस को मजबूत बना के आगामी 2023 में कांग्रेस की सरकार बनाना, ये हमारा। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।